20वीं सदी की तीसरी दिहाई में जो मारूफ शायर मंजर आम पर आए उनमें एक नाम जोश मलिक आबादी का है, जिन्हें उर्दू शायरी का विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है। जोश अपने खालिस उसलूब के बायस अपने हम असरों में मुमताज रहे। उनकी जवानी का जमाना बरसगीर पाक व हिंद की सियासी अबतरी का जमाना था। उस जमाने में मुसलमानों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म था। एक तरफ तो वादे वईद किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हें कुचलने की साजिशें भी जारी थी। चुनाचे जोश मलिक आबादी ने अपने जज्बात व एहसास के इजहार के लिए गजल के मुकाबले में नज्म के दामन को वसीब आते हुए इसमें तबाह आजमाई की। बेबाकी से अपने जज्बात के इजहार की वजह से जोश हर दौर में मतनाज़ शख्सियत करार दिए जाते रहे। जोश मलिक आबादी का शुमार भी उन शोरा में होता है जिन्होंने अपनी शायरी का आगाज गजल से किया और बाद में नज्म की तरफ मायल हुए। नज्म की जानिब मायल होना इनकी तबीयी मुनासबत का तकाजा था। इनकी शायरी जदीद मरानात और रुझानात से मामूर थी और असली तकाजों की अक्कास भी। बगावत और इनकलाब इनके मजामीन हैं। इनकी नज़में दौरे शबाब की लगजशों की हिकायात सुनाती हैं। शायर शबाब, शायर इनकलाब, शायर रुमान और मुसव्वर फितरत शब्बीर हुसैन खान जोश मलिक आबादी 5 दिसंबर 1898 में कस्बा कमलहार जिला मलिक आबाद में पैदा हुए। जोश को शायरी वर्से में मिली थी। इनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद उस्ताद नासिक के शागिर्द थे। जोश के उसातज़ा में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रस्वा भी शामिल है। इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल की, बाकी इल्मी इस्तेदाद मुताले से हासिल की। जोश के वालिद बशीर अहमद खान बशीर भी शायर थे और दादा नवाब अहमद खान का भी शायरी से ताल्लुक था। इसके अलावा इनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खान साहिब दीवान शायर थे। इनके ख़ानदान में ख्वातीन शायरात भी मौजूद हैं। जोश की दादी बेगम नवाब मोहम्मद अहमद खान मिर्ज़ा गालिब के ख़ानदान से ताल्लुक रखती थी। इस तरह जोश को शायरी वर्से में मिली थी। लेकिन जोश सिर्फ शायर नहीं थे, एक हश्र पहलू शख्सियत थे। इनकी शख्सियत का हश्र पहलू होना ही इस बात का सबूत है कि इन्हें शेर और नसर दोनों पर कामिल अबूर हासिल था। शायरी की तो औजे कमाल तक पहुँचे और नसर लिखी तो अदबी हल्कों में हंगामा बरपा कर दिया। जहाँ तक इनकी शेरी इस्तेदाद का ताल्लुक है तो ये चूंकि विरासत में मिला था इसलिए बचपन में ही शेर मौजू होने लगे थे और इन्होंने 9 बरस की उम्र में पहला शेर कहा, शायरी क्यों न रास आई मुझे, ये मेरा फन ख़ानदानी है। ऐन शबाब में जोश फारग़ुलबाल थे, लेकिन सन 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद फारग़ुलबाल ख़त्म हो गए और जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। यही वजह है कि सन 1916 से 1920 की शायरी में तलखी, जिंदगी से उकताहट, दुनिया की बेसबाती और सूफियाना ख्यालात मिलते हैं। इन्हीं ख्यालात पर मुश्तमिल इनका पहला मजमूआ कलाम रूह अदब सन 1920 में शाया हुआ। इस मजमूए के बाद सन 1936 तक आते आते इनकी शायरी में इश्किया मजामीन के साथ साथ बगावत के अंसर ने भी जगह बना ली। साथ ही हम असरों का असर भी इनकी शायरी में नुमायाँ तौर पर देखा जा सकता है। चुनाचे इस दौरानिये में इन्होंने जो कलाम जमा किया वो शोला शबनम के नाम सन 1936 में मनसा शहूद पर आया, जबकि तीसरा मजमूआ कलाम नक्शो निगार सन 1944 में जेवर तवाद से आरास्ता हुआ। ताहम जोश की जिंदगी की बेहतरीन शायरी पर मुश्तमिल इनका जखीम शेरी मजमूआ महराब मिजराब इनका इंतकाल के 11 साल बाद सन 1993 में कारीन तक पहुंच सका। मजमूओं की तखीर पर तबसरा करते हुए जोश की पोती तबस्सुम इखलाक लिखती हैं कि हजरत जोश हर दौर में मुतनाज़ शख्सियत बने रहे या बनाए जाते रहे। जब इनका इंतकाल हुआ तो मार्शल लॉ का ज़माना था। उस दौर में लोग इनका नाम जुबान पर लाते हुए डरते थे कि मुबादा इनको भी नौकरी से बरतरफ होना पड़े। तबस्सुम इखलाक के बयान से इतफाक़ करना पड़ता है क्योंकि इनके इंतकाल से 10-11 साल पहले इनकी खुदनविश यादों की बारात सन 1972 में कराची से शाया हुई थी और इनका इंतकाल 22 फरवरी सन 1982 को हुआ। यूं एक तरह से वह 10 वर्षों तक तनाज़ात में घिरे रहे और इसके बायस इन्हें बेहद दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। हुकूमत के अताब का भी शिकार हुए, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जोश जहाँ एक अजीम शायर थे वहीं साहिब तर्ज नसर निगार भी थे। शायरी में जोश एक ऐसे शायर हैं जिनके बेशुमार मजमूआ है कलाम मनसा शहूद पर आए। इनमें रूह अदब आवाज़ हक, शायर की रातें, जोश के सोशे, नक्शो निगार, शोला शबनम, पैगंबर इस्लाम, फ़िक्र निशात, जुनून हिकमत, आयात नगमत, अर्श व फर्श, सुम्बल व सलासिल, सैफ व सबू, सुरूर व खुरूश, समूम व सबा, तलु व फ़िक्र, मुज्जद व मुफक्कर, क़तरा कुलज़म, नवादर जोश, अलहाम अफकार, जोश के मरसिया, उरूस अदब, इरफानियात जोश, महराब मिज़राब और दीवान जोश वगैरह शामिल हैं। इलावा जी नसर में भी इनके कमाल फ़न के नमूने देखे जा सकते हैं। जोश के नसरी मजमुओं में मकालात जोश और आके ज़रूरी जज्बात फितरात, मकालमात जोश और यादों के वारा शामिल हैं। कलाम जोश में जा बजा ज़िंदगी की बेसबाती का तस्करा मिलता है। जोश तकसीम हिंद के बाद भारत से तबके सुकूनत करके सन 1956 में जब पाकिस्तान आए तो अपने साथ यादों की एक बयाज लाए और फिर वो सिलसिला चल निकला कि जिसका अंजाम कैदोबंद की सौगतें और हुक्काम की तान और तशनी निकला। यार जिंदा फैज़ अहमद फैज़ की तरह जोश मलिक आबादी को भी कई बार अपने ख़ानदान की जुदाई सहना पड़ी। वो जिस सरजमीन के लिए महाजिर हुए उस सरजमीन की बस्तियाँ इस पर तंग कर दी गई। इसलिए जोश मलिक आबादी की शायरी में बगावत के साथ साथ इनकलाब का अंसर भी नुमाया है। इसलिए जोश कहते हैं, काम है मेरा तगैयुर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब।
YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।